हेलो गाइस, वेलकम टू शांत गेमर। और आज देख रहे पबजी मोबाइल का गेम प्ले, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। आप अगर आगे आगे गेम प्ले देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं पबजी मोबाइल की वीडियोस क्यों नहीं रिकॉर्ड करता, क्योंकि मुझे बहुत सारा लैग फेस करना पड़ता है और मैं अपना परफॉर्मेंस दे नहीं पाता, और मैं आपके सामने नूब दिखूंगा और तो मजा नहीं आएगा। तो ये देख सकते हो कितना सारा लैग है, बहुत बहुत बड़ा 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 लैग है। मतलब क्या है भाई, रिकॉर्डिंग करते वक्त क्यों होना है? मतलब नॉर्मल गेम प्ले करता हूँ तब नहीं होगा यार। तो इसी लैग के साथ हम लोग शुरू करते हैं, गेम प्ले स्किप करते हैं हम लोग पैराशूटिंग पे। तो चलो भाई देखते हैं हमारी पैराशूटिंग कैसी है। तो पैराशूटिंग के साथ भी देख सकते हो मस्त वाले फ्रेम ड्रॉप है, जिसको हम लैग बोलते हैं यार। मतलब ये फ्रेम ड्रॉप को लैग क्यों बोलते हैं कुछ भी। तो मस्त वाले फ्रेम ड्रॉप के साथ यहाँ मैं उतर गया हूँ और मिल गई है यूएमपी, और उसके साथ एक के सॉरी एक के नहीं है, M7 है। और यहाँ पे बंदा दिखा और बहुत ही गंदा है, मतलब बहुत दिनों बाद खेल रहा है यार, समझा कर समझा। तो दूसरा M7 का भी बहुत गंदा है, और तगड़े फ्रेम ड्रॉप के साथ अंदर पुश करते हुए। भाई सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ इस फ्रेम ड्रॉप की वजह से। अपने स्किल्स के मदद से इसको नॉक किया, वो भी लैग आई मीन फ्रेम ड्रॉप। तो मैं इसके बंदे को ढूंढने निकल पड़ता हूँ, लेकिन दिखता नहीं क्या भाग गया वो, मतलब छोड़ के भाग गया मैं उसको, मतलब उसको है ही नहीं रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। तो इसके स्क्वाड के बाकी बंदे थे इसके बाजू वाले घर में, तो मुझे उस एक का गन दिख गया, लेकिन तब तक निकल चुका था और मैंने उसके पीछे से फायर दिया। लेकिन वो बंदा इतना भय रहा था भाई, मैप तो देख लिया था, फुटस्टेप आते हैं मैप पे कि बंदा आ गया पीछे। तो मस्त एकदम इजीली मुझे यहाँ पे उसका किल मिल गया भाई साहब। मतलब कुछ भी है, पीछे देखा करो यार, मैप देखा करो यार, फुटस्टेप देता है। तो यहाँ पे मैंने उसको खत्म किया, उसकी स्क्वाड शायद पूरी खत्म हो गई यहाँ पे, दूसरे बंदे ने उसकी स्क्वाड मार दी। और यहाँ बाजू वाले घर पे भाई छप्पर पे छत पे मतलब लेट के सन बाथ ले रहे थे भाई। यहाँ पे एक दिखा मुझे, दूसरा भी टीममेट को बुला रहे, उसने सन बाथ ले रहे। और थोड़ी देर मैंने उनको इंटेल दिया, इंटेल यानी वो इंटेल i3 Wi-Fi दिया, इन्फो वाला इंटेल। और यहाँ पे आत्महत्या करने के लिए कूद गया मैंने, उसकी आत्महत्या पूरी कर ली। दूसरा भी कूद गया गोली मारते हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं और फिर से दीवार कूद के चढ़ गया मुझ पे, मतलब कौन चढ़ता है भाई, बंदा सामने तो दीवार कूद के बंदू मारेगा, कुछ भी मतलब यार कुछ भी। तो यार पीछे गोलियां चल रही थी, बॉट तो है ना, दिखेगी कौन छोड़ता है दे। तो यहाँ पे एक बॉट मारा, और ये देखो भाई ये रियल बंदा था जो AFK, मतलब गेम में आते कि वो AFK रहने की, वाजी वाह कुछ भी मतलब AFK रहना की वजह से यार बाहर बैठा करो। तो यहाँ पे मस्त ऐसे तीन बॉट बोल सकते हो, बॉट 2+1 बॉट यहाँ मारते हुए मैंने आगे बढ़ा। सोचा कि पीछे बंदे हैं उनको खत्म करते हैं, उसकी स्क्वाड बाकी है अभी तक, वो नॉक पड़ा था जिसको मैंने खत्म किया था, और एक बंदा रेंज रहा था उसको ढूंढा और उसको खत्म किया, लेकिन उसकी स्क्वाड मुझे मिली। तो यहाँ मैं उनकी लूटपाट करके आगे निकल ही रहा था कि तभी एक और बॉट टपन। नहीं मतलब कितने बॉट देने हैं बे यार, अच्छी ढंग की लॉबी बनाया करो। तो यार फिर मैंने सब मार वार के लूट पाट करके आगे बढ़ गया, बंदे ढूंढने। क्या गाइस, बंदे ढूंढने के लिए बंदे, और यहाँ जो सोचा था वो हो ही गया, मिल ही गए बंदे, बॉट प्लस बंदे मिल गए भाई साहब, मतलब एक नंबर। अरे मैं कीबोर्ड पे हाथ क्यों मार रहा हूँ पता नहीं। तो यहाँ पे मैंने पीक किया तो दो दो बॉट भाई साहब, मतलब एक बॉट तो ऐसे ही ले लिया मैंने, दूसरा बॉट रेंग रहा था वो फ्री का की, और यहाँ पे मैं दूसरे बॉट को फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन क्या है ना, वो बहुत दिनों बाद खेल रहा था तो थोड़े से अलग ही मजे, मतलब एम हग रहे मेरे बॉट। तो कोई नहीं, इग्नोर कीजिए। और यहाँ पे दूसरा बंदा नीचे बालकनी में खड़ा था, जो कि मुझे दिखा नहीं खेलते वक्त, रिकॉर्डिंग के वक्त दिखा भाई साहब, लेकिन उसने मुझे मारा क्यों नहीं पता। मैं घुस ही रहा था मारने के लिए, तब तक दूसरा बंदा पीछे से मारना पड़ता है। ये रियल बंदा था, देखो यार शक्ल देखो भाई, तू पत्थर का है पीक कहा कर रहा है, मतलब कुछ है कि नहीं फिजिक्स, मतलब कुछ। और दूसरा बंदा आता है यहाँ पे दौड़ते दौड़ते, जो बालकनी में खड़ा था, पता नहीं साथ फेरे ले रहा था घरों के, तो वैसे सातवां फेरा कंप्लीट हो ही रहा था, मैंने उसको टपका दिया भाई साहब। मतलब कुछ भी यार कुछ भी भाई, मैप देखा करो यार, गोलियां दिखती है, गोली कहाँ से कौन से डायरेक्शन में मार रहा है बंदा, कौन से डायरेक्शन में मार रहा है, तो देखा करो। तो यहाँ पे मार वार के मैं आगे बढ़ ही रहा था जोर में, तो जहां से मैं पिछू से आया था ना, जहाँ पे लैंड की थी, क्या नाम था भाई पता नहीं कहाँ पे लैंड किया था, वहां पे यहाँ पे टप 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 गोली चला जा रहा था, बड़े रिदम में गोली चला रहा, मतलब क्या ही। और ये कौन सी गन थी भाई, मैंने कभी आवाज नहीं सुना था, शायद लिविंग स्पेसिफिक गन है शायद।
तो यहाँ पे छत पे खड़ा था और वो मुझे दिख गया। तो बेचारे की गंदी हालत है, उसको टाइम ही नहीं मिला, पीछे देख के कहाँ से गोलियां मार रहा है और ये बंदा नॉकआउट। तो मैं इसकी स्क्वाड ढूंढ रहा था यार, अभी स्क्वाड का है बता दे बता दे। तो फिर ये देखो यार नूबड़े, बता रहे बाबा स्क्वाड किधर है तेरी? नहीं बताऊंगा मैं, तूने मुझे मारा। नहीं बताऊंगा मतलब क्या मार, ये पबजी है, मारा मार भी कर रहे आते क्या मार, पता नहीं दे रहे यहाँ पे लोग कैसे कैसे है। मारा तो बोलता मारा कि पबजी है रे, पबजी मारना रहता है। यार सुन रहे जा रहा है तो शान गेमर को सब्सक्राइब करने का रे बाबा। नहीं करूंगा, नहीं करेगा ये खासा, ये कौर खा साला सब्सक्राइब नहीं करेगा तो मेरे को सब रुक, मरी जा रही है मरी जा। तो यहाँ पे मैंने उसकी अच्छे से पीछे से ले ली और मैं आगे बढ़ गया। तो बड़े ही मजे लेते हुए मैं आगे बढ़ गया जोन में, और मेरी हेल्थ थोड़ी कम हो गई थी, जोन जोन ने हेल्थ खा ली थी, पर आगे बढ़ गया। और मैप पे देख सकते हो आप, आपको आवाज भी आ रही होगी कि फायरिंग वायरिंग चल रही है, दो स्क्वाडों में भिड़ ही चल रही है, भिड़ रहे दो स्क्वाड, मतलब भिड़े ही जा रहे हैं, भिड़े ही जा रहे हैं। तो सोचा रुक जाओ यार मुझे आने दो यार, मैं आपकी तकलीफें दूर करता हूँ, मैं आपको लॉबी भेज सकता हूँ। तो आपको देख रहे हो कि पहाड़ के लोग दौड़ रहे हैं तो उनको ही मारने जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं मस्त में कि कवर रह, और वो दिखे मुझे, मैं इंतजार करता हूँ परफेक्ट टाइम। और यहाँ पे मैं स्प्रे हट देता हूँ और अपने टैप टैप वाले औकात पे आ गया, क्योंकि बहुत दिनों बाद खेल रहा था, समझा कर। तो यहाँ पे एक भी बंदा मार नहीं पाया, और यहाँ पे मस्त वाला फ्रीज देखे ना, फ्रेम फ्रीज, मतलब मोबाइल मेरे खिलाफ ही जाना चाहता है। तो यहाँ पे मैं मार नहीं सका, तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ने की अभी कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझता नहीं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और उनमें से एक बंदा गोली पे गोली चलाया जा रहा है, चला ही जा रहा है। मतलब तू किस पे चला रहा है, चीट्स लगा रखे तूने? मैं तुझे आर पार दिख रहा हूँ पहाड़ वहाड़ कर, तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बंदे गोली चलाई जा रहा है, गोली चलाई जा रहा है, मैंने बोला हार्ड पे गई थी गोली, मैं पुश करेगा तेरे पे डाउट थोड़ी है। तो यहाँ पे फिर देखा तो किसी बॉट को मार, भाई साहब मतलब बॉट पे इतनी गोलियां वेस्ट करती, भाई क्या है भाई, पिंकू छेत्री तो तेरे को अभी मारता, अभी तेरे को लॉन्ग दे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपका सीन पूरा एक्शन सीन खराब ना करते हुए मेरे आवाज बक बक करके हमको एक्शन देखने को मिल गया। और मैं दूसरे बंदे को ढूंढने निकला, भाई इतना ढूंढा नहीं मिले मुझे कोई, मैं एक जगह पे रुक गया तो भी इतना फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ इनटू फोर में, आखिरकार मोदी का है एक बंदे, और मैं उस पर अपनी डीपी चला देता हूँ और वो छुप जाता है नीचे, मतलब साफ सपेरा बन जाता है भाई नीचे। तो मैं निकलता हूँ लड्डू, ले ले खा ले बाबा, छोटा भीम मत जा, ये ले खा। तब तक पीछे से बॉट गोली चला देता है, मतलब लास्ट जोन में बॉट भी बच गया, ये कब से होने लग गया बे, मतलब कुछ भी। और मैं जीत गया, वो बम फट गया उस पे, मैं जीत गया, ऐसा कैसा भी है मतलब इतना सिंपल कुछ भी यार। तो चलो गाइस अगर आपको गेम अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो यार, अच्छा लगता है क्या 77 सब्सक्राइबर्स है।